श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय अभ्युदयक श्राद्ध प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। और वह बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल अर्थात वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदयक श्राद्ध करने चाहिए, फिर तन्मय भाव से अनन्य चित होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाई और बाई और बैठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदयक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ा कर्म आदि संस्कारों में, सीमांतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पुत्र गण का पूजन करें। हे पृथ्वीपाल, अभ्युदयक श्राद्ध में पुत्र पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया, अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता योतद मुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दें। तदंतर गौधूली के समय तारा मंडल के देखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट कर्म अर्थात अशौच मुक्त्य कर्म संपन्न करके पृथ्वी पर तृण आदि की शैया पर शयन करें। हे पृथ्वी पते, मृत पुरुषों के लिए मृत्यु प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले तीसरे सातवें अथवा नवें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दें। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए, उसके अनंतर अपनी सपिंड बंधु जनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंचयज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल अग्नि और फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान परिग्रह होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण है, क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छा अनुसार 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी झूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल शस्त्र कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए।
उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंड दान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिर्मयताम ऐसा कहने पर ब्राह्मण गण अभिरताह समह ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षय मुद्दमु प्रतिष्ठाम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिमास एको दुष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें और उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी एक वर्ष छह मास अथवा 12 दिनों के अनंतर एको दुष्ट साधु की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त चार पात्र रखें। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा तीन पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्म के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानुदक की संतति अथवा मातृ पक्ष के सपिंड अथवा समानुदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृ कुल और पुत्र कुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म तीन प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं, उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एको दुष्ट साधु किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृ कर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र दोहित्र अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रति वर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एको दुष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिसको जिस जिस विधि से करना चाहिए वही सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।